Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेंड वाला टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज के वीडियो के थंबनेल टाइटल में आपने देखा, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ये ETF क्या होते हैं, ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होते हैं, और अगर आप में से किसी को भी ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है, चाहे एंजल वन के अंदर चाहे किसी और ब्रोकर के साथ, तो कैसे आप सभी लोग एक साथ इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर SIP में अगर आप चाहें तो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारा कुछ डेमो लाइव आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ETF क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके नाम में ही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, यानी कि ये जो है हमारा शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है। यानी एक्सचेंजेस आप समझते हैं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों पे ही ये लिस्ट होता है। और जस्ट किसी शेयर की तरह इसका भी प्राइस अप डाउन जाता है लाइव मार्केट के अंदर। यानी कि आप इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग भी चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बाई कर सकते हैं। शेयर्स और ETF में अंतर ये होता है कि शेयर्स क्या होते हैं, किसी कंपनी इंडिविजुअल कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ETF क्या होते हैं, ये कंपनियों का समूह, या एक तरह से कह लीजिए एक तरह की कंपनियों का समूह होता है। जैसे आपको निफ्टी का ETF खरीदना हुआ तो उसमें निफ्टी के 50 शेयर जो होते हैं वो उसमें दे दिए जाएंगे ऐड करके, और आप ETF खरीदेंगे तो ये निफ्टी जैसे परफॉर्म करती है वैसे ही हमारा निफ्टी का ETF भी परफॉर्म करेगा। अलग अलग सेक्टर्स में भी हमारे यहाँ पे ETF होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप फार्मा के ETF खरीदना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ फार्मा की कंपनी होगी, अगर आप गोल्ड के ETF खरीदना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ गोल्ड होंगे। तो इसी तरह से अलग अलग सेक्टर वाइज हम ETF को खरीद सकते हैं, अलग अलग स्टॉक के अपने आप समझ लीजिए। जैसे आपका स्मॉल कैप का शेयर्स है उसका अगर आप ETF खरीदना चाहते हैं तो स्मॉल कैप शेयर्स का आप ETF खरीद सकते हैं। अगर आपको लार्ज कैप शेयर्स के ETF खरीदने हैं तो आप लार्ज कैप के ETF खरीद सकते हैं। तो जैसे जैसे वो जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपका ETF भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। और म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग होता है ये समझ लीजिए। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आप मेरी तरह हज़ारों लाखों लोग रुपये क्या लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करके किसी AMC कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करी रहती है, एक मैनेजर रखी रहती है, फंड मैनेजर, वो क्या करता है अपने हिसाब से, वो भी किसी सेक्टर वाइज ही इन्वेस्ट करता है पैसे को, लेकिन क्या करता है वो हैंड पिक करके अपनी रिसर्च लगा करके वो शेयर्स को बाई करता है। और जैसे जैसे आपके वो शेयर्स इंडिविजुअली अलग मतलब कलेक्टिवली परफॉर्म करते हैं वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करता है। लेकिन ETF के अंदर कोई फंड मैनेजर वगैरह नहीं होता है, आपने जो है इसको सीधे एक्सचेंज से ही बाई करना है और एक्सचेंज पे ही इसको सेल करना होता है। और आप इसको दिन के दौरान आपका इसका प्राइस भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इसका दिन के दौरान प्राइस ट्रैक नहीं कर सकते, आपको ये दिन के अंत में ही पता चलता है कि आज आपके NAV का भाव कितना चढ़ा कितना गिरा। तो ये तो अंतर होता है हमारा स्टॉक म्यूचुअल फंड और ETF में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको एंजल वन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर ETF बाई करना है SIP में या फिर लमसम में तो कैसे बाई करेंगे, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एंजल वन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली हम यहाँ पे ETF बाई कर सकते हो। होम स्क्रीन पे हमको एक ऑप्शन भी अभी देखने को मिलता है ETF का। आप जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक या फिर कोई और एप्लीकेशन, उसके अंदर ETF बाई करने की सुविधा है या नहीं कमेंट करके बताइएगा। और मैंने वैसे भी आपको लिंक दे के रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो एंजल वन के अंदर बिल्कुल मुफ्त में फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ETF वाले पे मेरे को क्लिक करना होगा। ETF पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा ETF कैटेगरी। तो यहाँ पे व्यू ऑल ETF पे क्लिक करके आप सारी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, इक्विटी के अंदर आप लोग ETF को ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में मतलब यानी कि निफ्टी का कोई आपको ETF खरीदना है तो निफ्टी भी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता ही है निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए निपॉन इंडिया की तरफ से ETF है ये निफ्टी 50 का, यानी निफ्टी के 50 शेयर इसमें रहेंगे। पिछले एक साल का यहाँ पे आप रिटर्न भी देख सकते हैं, लगभग 23% का हमको रिटर्न मिला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक भारत 22 ETF करके है, ICICI B22 करके ETF,
जिसका अभी लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है 99 रुपये, और इसका एक साल में रिटर्न जो है वो 70% का है भाई साहब। बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है इन्होंने। इन्होंने 22 अपने शेयर यहाँ पे पिक किए हैं, भारत 22 बेस्ट शेयर इनके हिसाब से, और उसका ETF बनाया है यहाँ पे। इसके बाद मिड कैप का भी आप लोगों को जो है निफ्टी के मिड कैप का भी यहाँ पे जो है ETF देखने को मिलता है, जिसमें 150 शेयर मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF देखने को मिलता है, जिसका इसका रिटर्न जो है एक साल का 55% का रिटर्न हमको मिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्टर वाइज भी आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सेक्टर का ऑप्शन है, सेक्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो फार्मा का ETF होता है। इसी तरह PSU बैंक के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो PSU बैंक का यहाँ पे जो है आपका ETF होता है। हेल्थ केयर में करना है तो हेल्थ केयर का भी यहाँ पे ETF होता है। गोल्ड, सिल्वर, डेब्ट, स्मार्ट बीटा, ग्लोबल मार्केट में भी आप जो है ETF खरीद सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे इक्विटी के, इक्विटी के अंदर भी हम बात करेंगे निफ्टी 20 की, जिसको हम निफ्टी 50 भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस वो 240 रुपये चल रहा है। निपॉन इंडिया का यहाँ पे निफ्टी 50 है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निपॉन इंडिया ही निफ्टी 50 को जो है यहाँ पे ETF को यहाँ पे आपको दे रहा है, और भी यहाँ पे निफ्टी 50 के आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, थोड़ा नीचे जाके मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे SBI का भी यहाँ पे ETF है निफ्टी 50 का, जिसका प्राइस अभी 227 रुपये चल रहा है। इसका भी रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर सा ही है, 23-24% का रिटर्न यहाँ पे भी है। तो अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कितने बायर्स यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर हैं, कितने सेलर्स हैं, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चार्ट भी आप देख सकते हैं इस ETF का, एंड इसके बाद आप सभी लोग इसको बाय भी कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इंट्राडे ट्रेडिंग भी अलाउड है, तो आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो बाय पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको SIP की भी सुविधा, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी मिलता है। ठीक है, वन टाइम करना है तो वन टाइम पे क्लिक करिए, और जितने भी शेयर आपको यहाँ पे बाय करने हैं नंबर डाल दीजिए, 100 शेयर बाय करना है 100 कर दीजिए, डिलीवरी पे रहने दीजिएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो डिलीवरी पे रहने दीजिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप इंट्राडे पे क्लिक करिएगा। इनका मार्जिन यूज़ करना है तो पे लेटर यूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है आपके ऊपर है भाई साहब। एंड इसके बाद बस क्या करना है आप लोगों को, मार्केट या लिमिट जिस पे भी खरीदना है आप बाय कर दीजिए, और आपका जो है यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा तुरंत का तुरंत, आपको यहाँ पे इसके लगे हाथ मिल जाएगा, शेयर आपको मिल जाएगा, और आप उसको चाहे तो आज के दिन ही बेच सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में आप रखना चाहते हैं तो, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे आपका SIP के ऊपर। ठीक है, तो सेम ये जो है स्टॉक निफ्टी 50 का हमारा SBI का, इस पर क्लिक करते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं, FIP पे क्लिक करते हैं। FIP में क्या होता है, आप लोग महीने दर महीने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नंबर, आपको क्वांटिटी डालनी है, कितने शेयर आप हर महीने बाय करना चाहते हैं। जैसे 10 क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं तो 10 डाल दीजिए। एंड इसके बाद SIP फ्रीक्वेंसी जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे आप डेली, वीकली, मंथली कब कब SIP करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। मंथली करना चाहते हैं तो मंथली पे क्लिक करिए। इसके बाद डेट सेलेक्ट करना होता है, कौन सी डेट को आपका पैसा कटना चाहिए यहाँ से आपके अकाउंट से, वो सेलेक्ट करिए, और कंफर्म डेट पे क्लिक करके जो है तो आप अपने यहाँ पे प्रॉफिट पे क्लिक करिए, और इसको यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप इसको बाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका हर महीने पैसा कटता रहेगा और आपका SIP ETF के अंदर होता रहेगा। तो इस तरह से आप SIP के कर सकते हैं और लमसम कर सकते हैं, और मैंने आपको ETF के बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।